नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग सही होंगे। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2024 की न्यू वैकेंसी के बारे में। आप में से जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने 2023 का एग्जाम दिया है और किन्हीं कारणों की वजह से 2023 के अंदर दिल्ली पुलिस में आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, अब वो इंतजार कर रहे हैं 2024 की न्यू वैकेंसी का। अब 2024 की न्यू वैकेंसी को लेकर बहुत सारी जो अफवाहें हैं, बहुत सारी जो खबरें हैं वो आपको सुनने को मिल रही है। कुछ लोगों का कहना है कि 2024 के अंदर ही आपको दिल्ली पुलिस की न्यू वैकेंसी देखने को मिलेगी। कुछ लोगों का बोलना है लोकसभा चुनावों के बाद देखने को मिलेगी। कुछ लोगों का कहना है कि जो कैलेंडर है वो अपडेट है नहीं, जिसके अंदर दिल्ली पुलिस की किसी भी भर्ती का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी आपकी जो वैकेंसी है वो आउट कर दी जाएगी। सो इन सारी अफवाहों के बीच में, इन सारी खबरों के बीच में कहीं ना कहीं जो कैंडिडेट्स है उनका नुकसान हो रहा है, क्योंकि कैंडिडेट्स जो है वो यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि किसके ऊपर हम यकीन करें किसके ऊपर ना करें, और वो अब भी डाउट की एक ऐसी कंडीशन में है जहां पर उनको ये सोचना पड़ रहा है कि क्या 2024 की जो वैकेंसी है दिल्ली पुलिस की वो आएगी या नहीं आएगी। तो चलिए कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला फैक्ट कि दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी आती है वो आप देखेंगे वो कुछ टाइम के गैप्स पे आती है, ठीक है। अभी जो वैकेंसी चल रही है 2023 की, अभी आप देख रहे हैं उसका प्रोसेस चल रहा है, और मिड तक आप देखेंगे कि मिड तक अभी एक दो महीने और आपके ले लेंगे, उसके बाद तक आपका जो प्रोसेस है दिल्ली पुलिस के जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो लेट ज्वाइन कर रहे हैं या जिनको ट्रेनिंग पे जाना है वो सारे प्रोसेस यहां पर स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपको पता है कि चुनाव वगैरह आ जाएंगे, और उसके बाद फिर क्या स्थिति रहती है ये बाद में डिपेंड करेगा कि आपकी जो वैकेंसी है वो आती है नहीं आती है। सेकेंड, यहां पर अभी एक वैकेंसी खत्म हुई नहीं है और उसके बाद अगली वैकेंसी की जो नोटिफिकेशन है वो बहुत कम चांसेस देखने को मिलते हैं कि दिल्ली पुलिस ऐसा करती हो कि एक वैकेंसी खत्म हुई तुरंत ही दूसरी जो वैकेंसी है उसकी नोटिफिकेशन यहां पर आउट कर दी जाए, ठीक है। सो ऐसे में भी हालात यही लगते हैं कि आपकी जो वैकेंसी है वो 2025 के अंदर आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि होने को कुछ भी हो सकता है कि आपका जो है कैलेंडर जो है वो जैसे कि आपको जुलाई और अगस्त के आसपास भी अपडेट कर दिया जाता है, तो उस कंडीशन में भी आपका कैलेंडर अपडेट करके कुछ वैकेंसीज की घोषणा कर दी जाए, लेकिन यहां पर जहां तक सारी चीजों को देखकर, पिछले इतिहास को देखकर लगता है कि आपकी जो वैकेंसी है वो 2025 के अंदर आपकी जो वैकेंसी है वो दिल्ली पुलिस आउट कर सकती है। 2024 के अंदर आपके जो समीकरण है वो बहुत कम बैठ रहे हैं कि 2024 के अंदर आपको वैकेंसी देखने को मिले। हालांकि आप अपनी तैयारी को जारी रखिए, आप अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि चाहे वैकेंसी 2025 में हो या 24 के अंदर हो, तैयारी अगर आप करेंगे तो वो आपका फायदा, कभी भी वैकेंसी आउट होगी उस समय आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आप रेस में उन सभी बच्चों से आगे हो जाएंगे जो वैकेंसी की डेट आउट होने के बाद अपनी तैयारी को जारी करते हैं, ठीक है। सो अभी तक तो यही लग रहा है दिल्ली पुलिस के पुराने रिकॉर्ड्स को देखते हुए कि आपकी जो वैकेंसीज हैं वो 2025 से पहले आउट नहीं की जाएगी। सो यही एक अपडेट थी, बाकी क्या है क्या नहीं इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तब तक इजाजत दीजिएगा, नमस्कार।